अस्सलाम वालेकुम भैया। तो आज की वीडियो में हम लोग टोयोटा हाइलक्स रेवरोको के बारे में बात करेंगे कि 2024 में आखिर इस गाड़ी की क्या कीमत है। 2024 में बहुत से लोग जानना चाहते हैं इस गाड़ी की कीमत क्या है, उसके अलावा इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। बेसिकली 2016 में इस गाड़ी की जनरेशन को लॉन्च किया गया था, 2018 में इसका एक फेस लिफ्ट आया था, और 2021 में जब फेस लिफ्ट आया तो इस गाड़ी की कम्प्लीटली डिजाइन को चेंज कर दिया गया, जिसमें इसके हेडलैम्प्स चेंज किए गए, ग्रिल चेंज की गई, बॉडी वाइज डिजाइन को चेंज किया गया, थोड़ी बहुत एक्सटीरियर चेंजेस किए गए, इंटीरियर पे भी काफी सारे चेंजेस किए गए। और 2022 में इसका एक रोको वर्जन लॉन्च किया गया था, और 2023 में इस गाड़ी के जिया वेरियंट लॉन्च किया गया था। अब तक पाकिस्तान में इसका रेवो भी वर्जन आता है, रोको वर्जन आता है जो कि ये स्पेसिफिक वेरिएंट है, उसके अलावा एक जिया वेरिएंट आता है। अगर आप जिया वेरिएंट का रिव्यू देखना चाहते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसका रिव्यू भी मैंने बनाया हुआ, लिंक पे क्लिक करके आप जिया वेरिएंट का रिव्यू भी देख सकते हैं। ये गाड़ी बेसिकली फॉर सेल है, तो ये गाड़ी अवेलेबल है बीआर ऑटोमोबाइल्स खालिद बिन वलीद रोड कराची पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, तो बीआर ऑटोमोबाइल्स खालिद बिन वलीद रोड कराची पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इंजन की तरफ आए तो यहाँ पे 2800 सीसी का डीजल इंजन दिया जाता है। यही इंजन सेम लाइक टोयोटा फॉर्चूनर में भी दिया जा रहा है, जो लेजेंडर वेरिएंट आता है, उसके अलावा जो कि 2.7 लीटर बी इंजन भी दिया जाता है, वो आपको टोयोटा फॉर्चूनर बी वेरिएंट के अंदर दिया जाता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पे। इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स काफी एग्रेसिव, लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है अब तक की, क्योंकि ये टोयोटा की एंट्री लेवल पिकअप ट्रक है, तो यहाँ पे आपको काफी डिसेंट फीचर्स ऑफर किए जाते हैं और काफी यूनिक चीजें आपको इसमें मिलेगी, वो हम लोग इंटीरियर में जाके बात करेंगे। सबसे पहले गाड़ी के हेडलैम्प्स की तरफ आते हैं। बेसिकली यहाँ पे बाइजोनोन प्रोजेक्टिव लैंप्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको ऑटो का फीचर दिया जाता है, इसको आप अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हैं, डे एंड नाइट को सेंस करके ये ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, डीआरएल आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, 10 इंडिकेटर एलईडी फैसिलिटी के साथ मिलते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे फ्रंट ग्रिल आपको मिलेगी चेंज, क्योंकि रेवो और रोको में ग्रिल चेंज मिलती है, रेवो में क्रोम में ग्रिल मिलती है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का ग्रे मेटेलिक कलर में मिल जाएगी ग्रिल, जो कि हार्ड प्लास्टिक का यूज किया हुआ नजर आएगा, क्रोम काफी कम मिलेगा। ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, फॉग लैंप्स एलईडी में ऑफर करती है, फॉग लैंप्स के कवर्स चेक करें ग्रे मेटेलिक कलर में मिलते हैं, और ये व्हील आर्ट से मैच करते हुए नजर आते हो, यहाँ पे भी ग्रे मेटेलिक का यूज किया हुआ नजर आता है, ब्लैक कलर में यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल से भी लुक्स काफी एग्रेसिव है। टोयोटा हाइलक्स बेसिकली एंट्री लेवल पिकअप ट्रक है, तो इसकी आप लेंथ चेक करें, और अगर आप टोयोटा टैकोमा देखेंगे, वो इसके बाद की गाड़ी है जो कि एंट्री लेवल पिकअप ट्रक के बाद आती है, उसमें फीचर्स भी काफी ज्यादा ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन वेरियंट होते हैं। तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स देखते हैं, तो यहाँ पे ग्रैंड ट्रैक का टायर्स मिल जाते हैं, 18 इंच व्हील्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये रोको वर्जन है, तो यहाँ पे ग्रे मेटेलिक कलर में अलॉय व्हील्स मिलेगा, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेगी, एबीएस का फंक्शन मिलेगा, ट्रैक्शन की फैसिलिटी मिल जाएगी, 2800 सीसी की बैजिंग मिलेगी, जो कि इंडिकेट करती कि ये 2800 सीसी डीजल इंजन के साथ आती है, D4D की ऑप्शन दी जाती है, हाइलक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड मिरर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्टेबल एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं, 10 इंडिकेटर की फैसिलिटी के साथ मिल जाते हैं। गाड़ी में स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है, जिससे हम लोग गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, वापसी अनलॉक करना चाहे अनलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक वेरिएंट रोको वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको रोल बार किट्स भी नजर आएगी, जो ग्रे मेटेलिक कलर में मिलती है, और ये हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर में मिल जाती है। नॉर्मल रेवो में आपको ये रोल बार किट्स नजर नहीं आती, रोको की ब्रांडिंग इस तरफ मिल जाती है, ये जीआर की बैजिंग आफ्टर मार्केट लगी, ये जीआर वेरिएंट नहीं है, जीआर आपको चेंज मिलते हैं। अगर आप जीआर वेरिएंट का रिव्यू भी देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अलावा पॉपअप भी हो रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। रिवर्स कैमरा भी ये गाड़ी ऑफर करती है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इस तरफ दिया जाता है, हाइलक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। रेयर टेलगेट को ओपन करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, लेकिन ये काफी भारी है, इसमें आपको हाइड्रोलिक स्कर्ट्स नहीं मिलते, आप काफी भारी है, ये इस तरह घिरते हैं, इनको चाहिए था यहाँ पे हाइड्रोलिक स्कर्ट्स देते हैं, हमने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी तो इस गाड़ी के लिए भरा है, तो इनको चाहिए था इसमें ये चीज देते, लेकिन इन्होंने नहीं दी। पाकिस्तान में यही एक एक चीजों को कम करके इस गाड़ी के प्राइस ज्यादा होते, लेकिन ये चीजें कम कर देती। रेयर पे पार्किंग सेंसर्स दे दिए, क्योंकि ये रोको वेरिएंट है, तो यहाँ पे क्रोम बम्पर नहीं दिया जाता, नॉर्मल रेवो में क्रोम में आ जाता, तो यहाँ पे आप देखते तो यहाँ पे ग्रे मेटेलिक की फिनिशिंग, इसका नाम जो है वो टोयोटा हाइलक्स रेवो रोको, ये इसका पूरा नाम। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक है, जिससे सीट्स मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो सिंगल टैप में 4 विंडोज मिल जाती है, डिटेक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के बटन मिल जाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर साइड पे आ गए तो इस गाड़ी के इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। पहले जो गाड़ी में इंटीरियर मिलता था 2016 से लेके 2020 मॉडल तक हाइलक्स में, तो वो इंटीरियर आपको ब्राउन कलर में मिलता था, गाड़ी की सीट्स ब्राउन में होती थी, ये साइड कम्प्लीट ब्लैक होती थी, सीट्स ब्राउन कलर में मिलती थी, वो इंटीरियर भी काफी लग्जूरियस लगता था, और ये इंटीरियर भी काफी लग्जूरियस लगते हैं। अब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इंजन स्टार्टिंग स्टॉप का बटन दिया जाता है, तो ये 2800 सीसी डीजल इंजन के साथ आती, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको साउंड नजर आएगा। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस से देखते तो ये 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर दिया जाता है, आईपीएम गेज मिल जाता है, हीटिंग गेज मिल जाता है, टीएफटी स्क्रीन मिल जाती है, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो करती है, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर शो करेगी, रेंज शो करती है, और ये गाड़ी 16,334 किलोमीटर ड्रीवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी फोर सेल है, तो आप इसके किलोमीटर्स चेक कर सकते हैं, 16,334 किलोमीटर ड्रीवन है। सेंटर पे टीएफटी स्क्रीन में काफ़ी सारी डाइट्स इन्फॉर्मेशन शो करती है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, ऑटो लैंप्स मिल जाते हैं,
पुश स्टार्ट बटन इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है, क्रूज कंट्रोल इस तरह मिल जाता है, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव नहीं। सेफ्टी फीचर्स की तरफ आए तो यहाँ पे सेंसर्स आपको दिए जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, डुअल एयरबैग्स मिलते हैं। बेसिकली इस गाड़ी में आपको 3 एयरबैग्स दिए जाते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील पे, एक डैशबोर्ड पे और एक ड्राइवर नी एयरबैग दिया जाते हैं। सिर्फ 3 एयरबैग्स दिए जाते हैं इतनी महंगी गाड़ी में, नहीं तो जैपनीज की आप 607 सीसी गाड़ियों में जाए किसी किसी गाड़ी में 8 एयरबैग्स की भी ऑप्शन दी जा रही है। स्पीकर्स देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाते हैं सिंगल टैप फैसिलिटी के साथ, इसकी विंडो मिलती है, जैसे कि मैं अभी इसकी विंडो को क्लोज करूँगा, हाथ डालूंगा तो वापसी विंडो चली जाएगी। तो ये फीचर आपको इसकी विंडोज़ में दिया जाता है और ये चारों ही विंडोज़ में ये फीचर दिया जाता है। ऑटो डिमिंग मिरर नहीं, मैनुअली डिमिंग मिरर मिलता है, जैसे कि आप देखते इसको मैनुअली डिम कर सकते, लाइट्स आ जाती है। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे ग्लासेस वगैरह टोयोटा की जितनी भी गाड़ियों में देखेंगे मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिरर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी के सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर कंसोल पे जो कि ये एंड्रॉइड पैनल मिलता है, ये 2021 में जब इसका एक फेसलिफ्ट आया था टोयोटा हाइलक्स पे, जिसमें इस गाड़ी के इंटीरियर में चेंजिंग की गई थी, लाइट्स में चेंजिंग की गई थी, तो उसमें ये वाली स्क्रीन ऐड की गई थी। जापान में अगर आप टोयोटा की कोई सेडान भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये स्क्रीन दी जाती, पाकिस्तान में टोयोटा करोला में अभी ये स्क्रीन देना इन्होंने शुरू की, पहले ये स्क्रीन नहीं मिलती थी। तो ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बेसिकली इसका अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये बेसिकली एक कैमरा इस गाड़ी में दिया जाता है और एक रियर पे कैमरा मिलता है। तो अगर हम लोग इस गाड़ी के कैमराज को ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंटीरियर पे भी कैमरा इसका ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं हम लोग कैमराज में जाते तो ये इंटीरियर का 360 व्यू आएगा। अब ये फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा या वेब कैम में जाओगे इंटीरियर का कैमरा ऑन हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं ये इंटीरियर का इसका कैमरा ऑन हो चुका है। तो ये वेब कैम में हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, रियर कैमरा में जाते तो सिर्फ और सिर्फ ये रियर कैमरा इसका ऑन हो जाएगा। रियर कैमरा में आपको डायनेमिक गाइडलाइंस नहीं दी जाती, जैसे कि देखें अब मैं इसको मूव करूँ, डायनेमिक गाइडलाइंस इसमें नहीं ऑफर की जाती, 1.5 करोड़ के प्राइस में ये चीज़ इनको देनी चाहिए थी। इसके अलावा ये कंप्लीट एंड्रॉइड पैनल है, यहाँ पे आप कंप्लीट ऑप्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा हम लोग जैसा कि देख लें तो रिवर्स कैमरा कुछ इस तरह से मिलता है, यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर हमें बता रहे कि गाड़ी को आप रिवर्स मत करें। रियर पे आप देख सकते हैं चेयर्स पड़ी है तो ये चेयर पे हिट कर सकती है, आगे भी आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है तो आगे गाड़ी की तरफ भी गाड़ी डिटेक्ट करती है, तो ये चीज़ें आपको पार्किंग सेंसर्स बता देते हैं। उसके अलावा देखते तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है, यहाँ से आप इसको डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं। 4x4 के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए जाते हैं, हाई लो पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग H2 पे रखते हैं हाई लो पे। उसके अलावा देखते तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, डिफलॉक, लाइटर पोर्ट, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट आ जाता है। उसके अलावा ये फास्ट चार्जिंग की अलग से आपको केबल यहाँ पे दी जाती है, उसके अलावा यहाँ पे भी एक लाइटर पोर्ट आ जाता है, डुअल लाइटर पोर्ट, डुअल USB पोर्ट्स आ जाते हैं, डुअल ऑक्स पोर्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिलता है, डुअल कप होल्डर्स आ जाते हैं, ऑटो ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स मिलता है 7 स्पीड के साथ, प्लस माइनस की भी ऑप्शन इसमें दी जाती है, इकोनॉमी मोड, पावर मोड मिल जाता है, यहाँ पे आप की इन सेट कर सकते हैं, हैंड ब्रेक आ जाती है, ये कंप्लीट आर्मरेस्ट लेदर फिनिशिंग में मिलता है और ये कंप्लीट सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर सीट्स है। उसके अलावा आर्मरेस्ट में कुछ स्पेस चेक कर सकते हैं, 1000 वोल्ट का लाइटर पोर्ट भी आ जाता है। यहाँ पे देखें तो बेसिकली इसमें आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है एक इस तरफ भी दिया जाता है ग्लव बॉक्स, उसके अलावा इसका एक ग्लव बॉक्स इधर भी दिया जाता है, जैसा कि आपने टोयोटा करोला के 2011 मॉडल, 12 मॉडल, 8 मॉडल इन मॉडल्स के अंदर ये चीज़ देखी थी, ये चीज़ अभी हमें टोयोटा हाइलक्स में भी दी जा रही है। बाकी जैसा कि मैंने आपको इसके डिसेंट फीचर्स बता दिए, इसमें सिर्फ आपको कुछ इस तरह से ही फीचर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा मजीद फीचर्स आपको इसमें नहीं दिए जाते। अगर हम लोग इसका एक मिसिंग फीचर देखें तो ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती, बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि सनरूफ होनी चाहिए गाड़ियों में और आजकल आपको बहुत सी गाड़ियों में मिलती है, इस गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलती। दोस्तों आपको इस गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी ताकि लेटेस्ट और लग्जरियस रिव्यूज देखने के लिए। दोस्तों ये गाड़ी अवेलेबल है BR ऑटोमोबाइल्स खाली बिन वली रोड कराची में, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड इस गाड़ी को बाय करना चाहते तो लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोकेशन पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लग्जरियस रिव्यू के साथ, अल्लाह हाफिज़।